जिसके पूरे का पूरा आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो होती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा मैं यहां पर ऑलवेज आई स्टार्ट विद वन पुट एक्स एज वन एंड सी क्या आपके पास आंसर जीरो बन रहा है I'm no. नहीं आई एम नॉट गेटिंग आंसर एज जीरो इसका मतलब वन इसका जीरो नहीं है और नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे माइनस वन माइनस वन अगर मैं एक्स को माइनस वन डालू तो क्या होगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये प्लस ये माइनस ये सारे लिख लो बच्चे ठीक है जी जब हम x को माइनस वन डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है x को माइनस वन डालने से ये माइनस वन का होगा अब कैंसिल आउट होकर के जीरो आंसर मिल रहा है yes. इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन इज जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स ठीक है जी अगर x इज इक्वल टू माइनस वन जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स है इसका मतलब है एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और अगर ये इसका फैक्टर है तो जब मैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर जीरो डिवीज़न आती है आप लोगों को पॉलिनोमियल की बाय पोलिनोम Yes. फिर, और मुझे बताइए क्या निकाल रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वाइनस फोर अस चेक कैसे करते हैं डिवीजन में पहला स्टेप यहाँ पर एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स मुझे इस फैक्टर को ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करना है कि मेरी पहली टर्म सेम हो जाए एक्स क्यूब हो जाए है क्या मेरे पास एक्स प्लस वन बनाना क्या है एक्स क्यूब तो आई मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्वेश्चन में लिखा इसको मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन माइनस फोर एक्स माइनस फोर अब फिर से वही काम करना है यहां पड़ा है माइनस चार यहां है एक्स दोनों को सेम करना है मतलब एक्स प्लस वन को माइनस चार से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं माइनस चार से मल्टीप्लाई क्योंकि यहां माइनस चार एक्स चाहिए यहां पर एक्स पड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ा माइनस चार से मल्टीप्लाई क्या मिलेगा माइनस चार एक्स माइनस चार यहाँ में माइनस चार मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है सब करके जीरो हो गया यहाँ तक समझ में आया सभी को yes. चलिए जी अब कैन आई राइट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस जीरो बिल्कुल बेसिक चीज जो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ठीक है जी अब एक्स फर्दर फैक्टराइज़ कर सकते हैं इज इट पॉसिबल टू फैक्टराइज़ कैसे फैक्टराइज़ करेंगे इसको बोलिए हाँ जी एक्स स्क्वायर माइनस फोर के फर्दर फैक्टर्स बनाने हैं कैसे बना सकते हैं हाँ जी बोलते नहीं A square minus A square. Minus B square. बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी इसका मतलब है अब मैं इसको फर्दर लिख सकती हूँ आई कैन राइट इट as एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ठीक है जी इज इट ओके तो yes. so, मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया और जो तीन मेरे पास फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू समझ में आ गया बच्चों चलिए जी अब हमें क्या करना है सेम मेथड लगा करके एक क्यूबिक पॉलिनामेल दे रही हूं उसकी फटाफट फैक्टराइजेशन -फड़ कर लो ताकि आपको भी स्टेप्स क्लियर हो जाएं और मुझे भी पता चल जाए कि समझ में आ गई है बात फिर हम आइडेंटिटीज वाले पार्ट पे चलेंगे क्योंकि पॉलिनोम में इसके बाद वही चीज हमारी रह गई है लो जी पोलिन है आपका एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर Minus seven x. Minus six. Two x cube plus x square. Minus seven x. Minus six. रिकॉर्डिंग हेलो ऑन नहीं कर लेना आप आज जी बच्चों निकाले इसके जीरो यस बोलिए जी क्या निकाली है पहली जीरो व्हिच वन इज फर्स्ट जीरो हिट एंड ट्रायल से क्या वैल्यू निकाली आपने जीरो की टू है जी, तो एक जीरो आपकी टू आ रही है इसमें जब आप एक्स की जगह टू डाल रहे हैं तो आपका आंसर जीरो बन रहा है तो माइनस सिक्स तो आपके पास ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी जीरो बन गया एक्स इज इक्वल टू टू इज दी जीरो इसका मतलब फैक्टर क्या हो गया एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इज दाइनस टू फैक्टर है तो अब मुझे क्या करना है मुझे इस पॉलिनोम को एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है अब डिविजन का जो स्टेप है उसके लिए मुझे टर्म क्या बनानी है यहां पड़ा है टू एक्स क्यूब यहां है एक्स सो so किस से मल्टीप्लाई करू टू एक्स स्क्वायर, एक तो टू चाहिए कॉफिशंट में एक्स है एक्स क्यूब करना है इसका मतलब टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू को टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर और कोशेंट में टू एक्स स्क्वायर करेक्ट अब सब करना पड़ेगा तो ये हो गया फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स अब बताइए जी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स एक्स X. X को पांच एक्स स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं फाइव एक्स से लो जी फाइव एक्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला मुझे फाइव एक्स स्क् माइनस टेन एक्स राइट इट हियर फाइव एक्स स्क्वाइनस टेन एक्स सब्ट्रैक्शन थ्री एक्स माइनस सिक्स तो अब क्या करना पड़ेगा तीन से मल्टीप्लाई पहले यहां पर पांच एक्स और अब तीन से तीन से किया तो थ्री एक्स माइनस सिक्स नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल सो जो क्वाड्रेटिक कोशेंट आया है वो आ रहा है हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इसका मतलब टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स के जो फैक्टर्स हैं एक तो ये था और दूसरा मुझे मिलना है इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाओ और क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना दो फटाफट फ़ड़ से बनाओ देखें जरा क्या बनाते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई है जो क्वेश्चन मेरा क्वाड्रेटिक आया है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री मिडल टर्म टू गेट दर्स बी क्विक प्रोडक्ट आई वॉन्ट सिक्स एंड सम आई वॉन्ट फाइव दो नंबर जिनमें मैंने डिवाइड करना है उनका प्रोडक्ट पिछली क्लास में हमने किया था ए इंटू सी टू इंटू थ्री छ चाहिए और सम चाहिए बी विच इज फाइव तो दो नंबर क्या हो गए तीन और दो हो गए सम भी पॉजिटिव प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इसका मतलब दोनों नंबर्स को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा टू एक्स कॉमन एक्स प्लस वन थ्री कॉमन एक्स प्लस वन और दोनों फैक्टर्स में से अब हमने बाहर निकाल दिया एक्स प्लस वन सो आई एम लेफ्ट विद टू एक्स प्लस थ्री इसका मतलब मेरे क्यूबिक इक्वेशन की जो फैक्टराइजेशन हुई दैट इज एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एंड टू एक्स प्लस थ्री ये हैं इसके फैक्टर्स और अगर जीरोस पूछी जाए तो जीरो हर एक फैक्टर को जीरो करके मिलती है तो माइनस वन टू एंड माइनस थ्री बाय टू दीज आर द्री जीरो ऑफ दिस पोलिनोम एंड दीज आर द्री फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोम इज इट ओके अंडरस्टूड हांजी बच्चो बोलिए यसोर नोपेक दोनों को कैसे फैक्टराइज किया जाता है ये एक बार फिर से देख लिया एक बार आप ऑलरेडी क्लास में कर चुके हो अगर किसी को अभी भी प्रोसेस में किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बता दो मुझे anyone who wants to ask anything about factorization of cubic or quadratic quadratic mein splitting the middle term use kar rahe the product a into c sum b sum positive hai product negative hai kya situation hai uske hisab se aapne decide karna tha चलिए जी अगर ये हो गया है किसी को कुछ नहीं पूछना है तो जो last part पॉलिनोमियल्स का बचा है that is identities बहुत important आइडेंटिटीज की एक्सपेंशन पर भी क्वेश्चन आ जाता है और फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज भी हमारे पास आ जाता है फटाफट फड़ से एक बार सारी की सारी आइडेंटिटीज को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं लो जी सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आफ्टर दिस ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी इन टू ए प्लस बी थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर ऐसे भी काम आ जाती है आइडेंटिटी और ऐसे भी काम आ जाती है सो बोथ वेज यू हैव टू रिमेंबर फिर है हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन टू ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर Hello, hello students, can you hear me? हेलो अभी आ नहीं रही है हेलो 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 जाटू रही हेलो 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 हेलोटेबल जी इज इट ऑडिबल ना हो अभी लिख रहे हो अच्छा ये लो टू ए बी टू बी सी फिर हमने लिखा था ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इन टू ए प्लस बी एंड बिफोर दैट इट वॉज ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए <clears throat> जब नोट हो जाए सारे फॉर्मूला, सारी आइडेंटिटीज तो मुझे बता देना फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे हाँ जी हैव यू डन विद आइडेंटिटीज जल्दी जल्दी लिखो बच्चों जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चन भी करें कुछ the... ठीक है चलिए जी क्वेश्चन लिखते हैं हम हमें करनी है एक्सपेंशन थ्री ए माइनस टू बी प्लस सी होल स्क्वायर थ्री ए माइनस टू बी प्लस सी होल स्क्वायर अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक बात आपने याद कि हमने जो प्लस सी के लिए और यहां पर एक नेगेटिव साइन इन बिटवीन आ रहा है तो हम एक काम करते हैं हम इसको क्या ऐसा हाँ जी ऐसे कर ले कोई दिक्कत yes, yes. अब आपकी गलती का चांस बिल्कुल खत्म क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो अब आपको मालूम है जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे उसमें ये पहले टर्म ये विद नेगेटिव साइन दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर मतलब थ्री ए का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब माइनस टू बी का स्क्वायर और थर्ड टर्म है सी ही उसका स्क्वायर फिर आगे फॉर्मूला क्या था टू ए की जगह भी थ्री ए है बी की जगह माइनस टू बी थ्री ए बी था सॉरी टू ए बी था मेरे पास फॉर्मूला में ए की जगह तीन ए है और बी की जगह माइनस टू बी अगली टर्म होती है टू बी सी बी नहीं है क्या है माइनस टू बी और अगली टर्म है टू सी ए अगर आपके पास इन बिटवीन नेगेटिव साइन आ जाते हैं उनको ऐसे लिखने की बजाय मेक देम लाइक दिस तो गलती नहीं होगी आपकी अब जब मैं इसको ओपन करूं तो क्या मिल रहा है मुझे नाइन ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ए बी माइनस फोर बी सी प्लस सिक्स ए सी तो ये बात समझ में आ गई है अगर एक टर्म नेगेटिव है या दो टर्म्स नेगेटिव है आपके पास फॉर्मूले के अंदर तो आपने उनको विद इन ब्रैकेट लेकर के उसके हिसाब से आगे अपने फॉर्मूले में फिट करना है ठीक है जी इसको जल्दी से नोट करो फिर एक क्वेश्चन और दू फिर देखते हैं क्या करते हो उसमें चलिए जल्दी से नोट कर लो कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो वो पूछोगे नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूं। अब आपने एक्सपेंशन करनी है फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू जेड होल स्क्वायर की ध्यान से करना जरा फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू जेड होल स्क्वायर डू इट क्विकली बिफोर एक्सपांडिंग राइट इट एज फोर एक्स प्लस माइनस थ्री वाई प्लस माइनस टू जेड होल स्क्वायर चलिए शाबाश जल्दी से करिए और मुझे आंसर बताइए क्या बनाएंगे

हमें सिर्फ नेगेटिव साइंस का कॉम्पनसेशन कर लेना है वरना वो कहीं ना कहीं जाकर के हमको परेशान करते हैं सो वी डू नॉट वी विल नॉट कीप नेगेटिव एज सच हम उसको इस फॉर्म में लिख लें अब ये ए बी सी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू

तो इसी तरीके से किसी भी आइडेंटिटी पर बेस्ड एक्सपेंशन आपको पूछी जा सकती है मालूम होनी चाहिए थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है एंड बी एबल टू डू इट नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी गेट इज़ सपोज़ आपको कहा जाए फैक्टराइज़ क्यूब माइनस क्यूब बोलिए जी क्या करेंगे using identities i have to factorize this how to factorize it to kaun si identity use karoge aur kaise use karoge ye aapne mujhe batana hai which identity is to be used a cube minus b Perfect. ये आपको सामने से नजर आ रहा है कि मेरे पास जो identity लगेगी that is a cube minus b cube. थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो इज ए टू हंड्रेड सिक्स एक्स एज सिक्स एंड बी इज फाइव बाई एक्टली बच्चो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये कफिशियंट को छोड़ नहीं देना मैंने मुझे क्या चेक करना है कि ये पूरा ये तो x का क्यूब है अब आपको चेक करना है कि ये 216 किसका क्यूब होता है बोलिए जी 216 किसका क्यूब होता है six. Six का तो इस पूरी को मैं लिखूंगी सिक्स एक्स का क्यूब सिमिलरली 125 is the इज द क्यूब ऑफ I सो आई विल राइट इट एज फाइव वाई का क्यूब और अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहां तो पर अब फाइव वाई ठीक है जी अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपके पास कफिशियंट्स आ रहे हैं उनको भी आपने साथ में कंसिडर करना है तभी बात बनेगी वरना नहीं बनेगी ठीक है जी चलिए जरा एक क्वेश्चन करके बताना है आपका यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ माइनस ट्वेल्व का क्यूब यूजिंग आइडेंटिटीज एक तरीका तो क्या है कि आप क्यूब निकाल लो और एड करके आंसर दे दो नहीं ये आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आए और आपको बोला जाए यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड दिस वैल्यू तो क्या करेंगे वो है आपने मुझे मैम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी बिल्कुल लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं अगर आप इसका कंपैरिजन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जो मेरी आइडेंटिटी है उसके हिसाब से हम देखें ए की जगह है मेरे पास माइनस बारह बी की जगह है सात और सी की जगह है पांच। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ए प्लस बी प्लस सी दट इज माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव इज बिकमिंग जीरो और हमने पढ़ा था इफ ए प्लस बी प्लस सी इज देन ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है हाँ जी क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी अगर ये चीज जीरो हो जाए तो ये पूरी जीरो बन गई तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जीरो और आई कैन से ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज थ्री ए बी एबीसी पढ़ाई अभी हमने yes. तो अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसका आंसर क्या बनेगा थ्री टाइम्स ए बी सी एक ही नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस में आएगा ट्वेल्व इंटू फाइव थोड़ा कम्पेरेटिवली देख लिया करो आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट पढ़ाई जाती हैं इसीलिए कि आप ग्रुपिंग प्रॉपर वे में करके कैलकुलेशंस को आसान कर पाओ अब हम सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इससे थोड़ा कंपेरेटिवली काम टाइम ज्यादा सिंपल मुझे नजर आ गया यहाँ पर कि 12 इंटू पांच साठ सात इंटू तीन इक्कीस और यहां पर इसको आप बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत से मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो so आपका आंसर जो बनेगा एलबी माइनस वन टू सिक्स हाँ जी तो ये क्वेश्चन ये आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज बिकमिंग थ्री ए बी सी मैंने ए प्लस बी प्लस ये बात समझ में आई है yes. अब जरा ध्यान से देखना मैं एक और क्वेश्चन इसी पर दे रही हूं बता के दे रही हूँ क्या करोगे वो देखती हूं जरा आपके पास क्वेश्चन है <coughs> x माइनस वाई क्यूब वाई माइनस जेड क्यूब जेड माइनस एक्स क्यूब बताइए जी फैक्टर्स बनाने हैं इसके यू हैव टू फैक्टराइज इट हाउ टू डू इट वट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब सोचिए जरा मैंने बता दिया आपको कि जो पिछली आइडेंटिटी यूज की वही यहाँ पर वापस यूज करनी है मुझे की की बात करें। तो अब जगह क्या आ रहा है बच्चों मेरे पास डू आई माइनस वाई माइनस जेड और सी की जगह अब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूंगी तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स ये इससे कैंसिल ये ये इससे कैंसिल आ गया A plus, B plus C, जीरो? Yes. और अगर A plus, B plus C, जीरो हो तो क्वांटिटी किसके बराबर होती है थ्री टाइम्स ए बी सी बन गए फैक्टर्स yes. ठीक है जी सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक कि हमें कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी किस तरीके से अप्लाई करनी है ठीक है जी अभी है टाइम या हो गया क्लास टाइम कैन वी डू वन मोर क्वेश्चन लो जरूर फटाफट करना सर आप ध्यान से सोच समझ के फैक्टोराइज करना है अगेन द एक्सप्रेशन गिवन इज फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड माइनस सिक्सटीन बराबर लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे और फिर हम क्लास क्लोज करेंगे सबसे पहले देखना है किस आइडेंटिटी के साथ मैचअप हो रहा है लेकिन ए प्लस बी प्लस सी होल्स आती है टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए यहां पर ये दो टर्म्स नेगेटिव हो रही है इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी में जो दो पॉजिटिव साइंस हैं उनमें से कुछ तो एक या कुछ दो नेगेटिव होंगे ठीक है जी सबसे पहले ए बी और सी आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये है फोर एक्स का स्क्वायर मतलब टू एक्स ए स्क्वायर के टाइम आती है अगर ए स्क्वायर चार एक्स दो एक्स होगा तभी इसका स्क्वायर चार एक्स स्क्वायर आएगा नाउ कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी थ्री वाई और सी क्या होना थाएग। चाहिए फोर जेड अब सिर्फ ये चेक करना है कि नेगेटिव साइन कहाँ आएगा इसके 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 साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ? किसके साथ? -4 Z. -4 Z. यहां पर देखो वाई जेड की टर्म नेगेटिव हो रही है तो या तो वाई वाली टर्म नेगेटिव हो या जेड वाली टर्म नेगेटिव हो अगर y वाली को नेगेटिव करो तो फिर x इंटू वाई भी नेगेटिव हो जाना चाहिए था जो कि पॉजिटिव है ध्यान से बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो गलती नहीं करोगे x इन y पॉजिटिव है इसका मतलब ये दोनों को रखा पॉजिटिव फिर देखें y और z नेगेटिव, तो z को नेगेटिव कर दिया और फिर आपको आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टराइजेशन करनी है तो इसके जो दो फैक्टर बन गए तो सबसे पहले जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है ट्राई टू फाइंड आउट किस आइडेंटिटी के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद कुछ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स का कुछ अगर आगे पीछे है तो वो आपको मैनेज करना है ठीक है जी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ध्यान से सोच करके पेपर्स को करना ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ ठीक है जी ओके okay जी बाय बाय ओके सो मच मैम थैंक यू सो बाय मैम ऑल राइट